तो आज हमारे यहाँ स्पेशली इंक्वायरी वेस्ट इंडीज में जमैका से इंक्वायरी आई, तो उनके लिए हमने मशीन पूरी क्रिएट की हुई यहाँ पे दोस्तों। वेस्ट इंडीज में जमैका करके सिटी है जो बहुत बड़ा बीच है, वहां के लिए हमने तीनों तीन मशीन बनाई हुई दोस्तों। के सामने हम लाइव वीडियो बना रहे हैं कि कैसी मशीन होती है, कैसे ऑपरेट होती है, क्या क्या फंक्शन है मशीन के अंदर से, क्या क्या चीज निकलता है और कैसा क्वालिटी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्पेशली आज यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के कस्टमर की रिक्वायरमेंट से, कस्टमर की दोस्तों रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी ने 2023 का ऑटोमेटिक सुगर कैन जूस मशीन, गन्ना जूस मशीन आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों। वैसे हमारे इंस्टाग्राम व्यूअर्स, फेसबुक व्यूअर्स, यूट्यूब व्यूअर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे हमारे को और हमने सब बहुत सारी मशीन ऑल ओवर इंडिया भेजी हुई है। तो आज हमारे यहाँ स्पेशली इंक्वायरी वेस्ट इंडीज में जमैका से इंक्वायरी आई, तो उनके लिए हमने मशीन पूरी क्रिएट की हुई यहाँ पे दोस्तों। वेस्ट इंडीज में जमैका करके सिटी है जो बहुत बड़ा बीच है, वहां के लिए हमने तीनों तीन मशीन बनाई हुई दोस्तों। वैसे तो इंडिया में ऑलरेडी हमारी बहुत सारी मशीन चल रही है और बहुत सारी मशीन जा भी रही है, लेकिन आज डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी ने ये मशीन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों। तो आपके सामने हम लाइव वीडियो बना रहे हैं कि कैसी मशीन होती है, कैसे ऑपरेट होती है, क्या क्या फंक्शन है मशीन के अंदर से, क्या क्या चीज निकलता है और कैसा क्वालिटी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सुगर कैन मशीन विथ चिलिंग सिस्टम, ठंडा चील्ड और ताजा जूस एक ही बार गन्ना डालना है। जो बाजार में बार बार गन्ने डालते हैं, तीन बार, चार बार, छह बार घुमाते हैं गन्ने, तो वैसा नहीं दोस्तों। एक ही बार में 97% गन्ने का जूस निकाल के लाइव ठंडा और चील्ड करके मशीन के अंदर से निकलता है दोस्तों। वन यूनिट वन सेटअप मशीन है दोस्तों। इतनी आपके सामने जो मशीन दिखा रहे हैं, इसके अंदर कंप्रेसर, कूलिंग सिस्टम, गन्ने का जूस मशीन, वेस्टेज बॉक्स दोस्तों, स्टोरेज बॉक्स, सभी चीज इसके अंदर हमने एक ही मशीन के अंदर इनबिल्ट और फिट किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ आपको गन्ना लगा देना है। कोई कस्टमर नॉर्मल जूस मांगता है तो यहाँ से नॉर्मल निकलेगा, कोई कस्टमर ठंडा मांगे तो ठंडा निकलेगा। कस्टमर ने जो डिजाइन बोला था डिजाइनिंग कर दिया, कस्टमर ने जो कलर बोला था कलर कर दिया, कस्टमर ने जो नाम बोला था किंगडम, किंगस्टोन, जमैका, यहाँ पे उनका नाम लिख दिया है तीनों मशीनों के अंदर। यह मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्रेसर वाली मशीन है और यह वाली मशीन बैटरी ऑपरेटेड है, जिसके अंदर बैटरी इनबिल्ट फिट किया हुआ है। स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट साइज की मशीन है दोस्तों। एक बार चार्जिंग करने से दोस्तों 5 से 6 घंटे तक यह मशीन आपको ऑपरेट करके चला के देगी दोस्तों। यह भी मशीन वन टाइम क्रशिंग मशीन है। रोड के ऊपर आप बिजनेस कर सकते हो इतनी छोटी सी मशीन लेके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम को गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसी मशीन है। ये हमारे पास सुगर कैन स्टिक पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ये सुगर कैन स्टिक आपको यहाँ पे मशीन में लगा देना है। यहाँ पे आप देखिए, मशीन में आपको ऐसे यहाँ पे लगा देना है। एक ही बार गन्ना डालना है दोस्तों, बार बार गन्ना डालने का जरूरत नहीं है दोस्तों। वन टाइम में 97% मशीन को जूस निकाल देती है, 97% क्रश कर देती है। यहाँ से गन्ना क्रश होके यहाँ पे जूस आ गया। अब देखिए, ये इसका ट्रे है, यहाँ पे जूस भर चुका है। कोई कस्टमर नॉर्मल जूस मांगता है, जिसको ठंडा जूस नहीं पीना है, सादा जूस पीना है, यहाँ से आप उनको सादा जूस भर के दे सकते हैं। एकदम फ्रेश, क्लीन, गाढ़ा हुआ और नेचुरल, बिना हाथ लगाया, बिना टच किया हुआ नेचुरल शुगर केन का फ्रेश और ताजा जूस। यहाँ से आप नॉर्मल जूस निकाल सकते हो और कोई कस्टमर ठंडा चील्ड जूस मांगता है, जिसमें बर्फ मिलाए बिना का, पानी बिना का जूस मांगता है, तो यहाँ पे इसका बटन दिया गया दोस्तों। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम चील्ड, ठंडा और ताजा फ्रेश गन्ने का जूस निकाल सकते हो दोस्तों। आप देखिए इसका फीन और बबल्स देखिए इसमें। ये गिलास हमारा भर चुका है बेहतरीन क्वालिटी का, एकदम चील और ठंडा जूस। देखिए यहाँ पे झाख बन रहा है बेहतरीन क्वालिटी का, ये आप देखिए। और यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर देख सकते हो, 2 डिग्री का जूस निकला है, 2.1 डिग्री का फ्रेश जूस, ताजा जूस निकला हुआ है इसका। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, वेस्टेज बॉक्स से जो गन्ने का कचरा, जो कूड़ा रहता है, जो वेस्टेज रहता है, वो कोई अलग कहीं पे नहीं जाएगा दोस्तों। मशीन की बैक साइड से जो गन्ने का कचरा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मशीन का बैक लुक, साइड लुक बताएंगे आपको। ये साइड लुक है, मशीन पी की तरफ, पीछे की तरफ भी जो कस्टमर पीने के लिए खड़ा है उनको भी कोई कचरा, कोई मक्खी है, कोई चींटी है, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि कचरा पीछे से पूरा बैक साइड से नीचे से गिर के पूरा डस्टबिन बॉक्स में कचरा चला जाएगा दोस्तों।
और ये मशीन का फ्रंट लुक भी आपको हमने दिखा दिया गया, जहाँ पे आपका कस्टमर खड़ा रह के आपके पास से जूस मांगेगा। दोस्तों गन्ने का जो कचरा रहता है, कितना परसेंट कचरा हो जाता है इसके अंदर, एक ही बार में क्या जूस निकलता है कि नहीं निकलता है, आप खुद बताएंगे वीडियो में। देखिए ये वेस्टेज बॉक्स है दोस्तों, अब देखिए ये वेस्टेज बॉक्स में से इसका कचरा है, पूरा चूरा हो चुका है। चूरे को मैं दोबारा दोस्तों इसमें डाल भी नहीं सकता हूँ, एकदम ड्राई रन हो चुका है, क्योंकि हाथ में पूरा कचरा आता है। अब देखिए पूरा बिखर बिखर के पूरा सब चीज आता है। एक ही बार में गन्ना हमने दो बार डाला नहीं है दोस्तों, आपके सामने वन टाइम में गन्ने का जूस, फ्रेश और ताजा जूस निकाला हुआ है दोस्तों। शुगर केन, अभी ये मशीन की हम आपको साइज भी बता देते हैं कि आप कितने एरिया के अंदर ये मशीन को रख सकते हैं। मशीन की आगे का फ्रंट आप देखेंगे, इसका फ्रंट साइज है 31 इंच का फ्रंट है, 31 इंच का फ्रंट है, यहाँ पे आप देखिए 31 इंच का फ्रंट है इसका। और मशीन की हाइट हम आपको दिखा देते हैं, मशीन का जमीन से लेके ऊपर तक का हाइट कितना है, मैक्सिमम 57 इंच का हाइट है इसका। और मशीन का डिप्ट एक बार आपको बता देता हूँ, अंदर से बाहर तक कितना डिप्ट है इसका, 18 इंच का डिप्ट है इसका, 18 इंच का। ये मशीन की परफेक्ट साइज है दोस्तों। ये मशीन आप शॉप है, कोई काउंटर है, कोई रिटेल काउंटर है, कोई आपका एरिया है, कोई वर्किंग बिजनेस है, मेडिकल स्टोर है, वहां पे बाहर लगा के रोजाना 5,000 से 7,000 का इरिंग कर सकते हैं। एक गिलास इस तरह का 300 ml का गिलास, एक गिलास बनाने का खर्चा आपको 3 से 3.5 रुपए में गिरेगा दोस्तों। बाजार में आसानी से 15 रुपए में तो मिनिमम आप बेच सकते हैं। अगर आपका न्यू बिजनेस है और फुल क्राउड में सेल करना है तो 10 रुपए में तो आसानी से बेच ही सकते दोस्तों आप इसको। प्लस नेक्स्ट मशीन है हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड शुगर केन मशीन। ये मशीन के अंदर ऑलरेडी बैटरी अंदर फिट कर दिया है, कोई भी साइड पे इसमें पावर दिया नहीं है दोस्तों। मशीन का यहाँ पे बटन दिया गया है, मशीन बटन दबाने से मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये मशीन चालू हो चुकी है अपनी, ये आप देखिए कितना परसेंट आपका बैटरी का चार्जिंग है यहाँ पे शो कर रहा है, कितना परसेंट आपका मशीन में बैटरी में चार्ज फिलहाल है। मशीन पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई है, कहीं पे भी लोहा एमएस यूज नहीं किया दोस्तों, बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है। मशीन में हम एक बार यहाँ पे गन्ना डाल के आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये शुगर केन हमारे हाथ में पड़ा हुआ है स्टिक, इसको हम लगा के आपको बताते हैं। देखिए लगा के आपको छोड़ देना है, दबाने का जरूरत नहीं है, धक्का देने का जरूरत नहीं है, पुश करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिल्टर सिस्टम दिया है, जो कचरा है, जो वेस्टेज है, यहाँ पे फिल्टर में पूरा गल जाएगा और आपके जो क्लाइंट है, जो आपके कस्टमर है, उसको आप एकदम ताजा और फ्रेश जूस दे सकते हो। यहाँ पे इसका वेस्टेज कचरा सब आ चुका है, आप देखिए टोटली। अभी हम इसको गन्ने का जूस सादा वाला गिलास में स्ट्रो करेंगे, निकालेंगे दोस्तों। 1 किलो गन्ने के अंदर 750 ग्राम जूस निकलेगा, ऐसा 3 गिलास भरेगा 1 किलो गन्ने के अंदर। अगर आपको हिसाब करना है तो आप अपने हिसाब से हिसाब कर सकते हो कि 1 किलो गन्ना आपको बाजार में कितने का पड़ता है दोस्तों। एक पीस के अंदर से एक गिलास निकाला है 300 ml का, सिर्फ एक पीस से, जो आपके सामने पीस डाला है वही पीस से हमने निकाला है 300 ml, मतलब 280 है, 20 ml कम है, 280 ml समथिंग जूस निकाला है हमने मशीन में से। मशीन में दोस्तों आप हैवी गन्ना भी लगा सकते हो, हैवी गन्ना में मशीन रुकेगी नहीं। ये गन्ने का डायामीटर आप देख सकते हो दोस्तों, कितना डायामीटर है इसका, इसका आपको नाप के भी बता सकता हूँ कितना डायामीटर है इसका। मशीन का क्वालिटी चेक करने के लिए राउंडली आप देख सकते हैं 4 इंच का डायामीटर है, ये आपके सामने डायामीटर हम चेक कर रहे हैं, 4 इंच का डायामीटर का गन्ना है हमारे पास। ये गन्ने को भी आप आसानी से मशीन के अंदर से सर्विंग कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो, ये आप देखिए मशीन रुकेगी नहीं दोस्तों, मशीन हैवी चलती रहेगी। और पीछे आइए वेस्टेज बॉक्स दिखाइए हमारे व्यूवर्स को, कैसा वेस्टेज करके देती है मशीन, आ जाइए पीछे पूरा, आप देखिए एक ही बार में चूरा कर दिया दोस्तों, एक ही बार में 97% का चूरा कर दिया इसने, एक बूंद जूस नहीं है दोस्तों। अगर कोई बोले इसमें एक बूंद जूस है, आप देखिए वन टाइम में मशीन का काम यही है कि आपको नुकसान नहीं जाना चाहिए, आपकी मशीन में जो पीछे वेस्टेज निकला है उसमें जूस पड़ा रहना नहीं चाहिए दोस्तों, वही ओरिजिनल मशीन का काम है। आप देखिए वन टाइम में 97% क्रशिंग कर दिया है, पूरा चूरा बना दिया इसने।
बैटरी से दोस्तों इतना हैवी कैपेसिटी, इतनी फास्ट यूजिंग, इतना फास्ट परफॉर्मेंस दोस्तों। दूसरा ग्लास भी हम जूस निकाल डालेंगे, आपको दिखा देंगे। इसका क्वालिटी देखिए कितना नेचुरल जूस है, क्योंकि इसमें कोई हाथ रट नहीं हुआ है, टोटली हाइजीन और क्लीनिंग है। अभी और जूस पड़ा है इसके अंदर, ग्लास तो भर चुका है, इसके अंदर और भी जूस पड़ा हुआ है दोस्तों, और भी हम आपको जूस निकालेंगे इसमें से, दिखाएंगे निकाल के। अब देखिए अभी इसका लास्ट में ट्रे वाला में भी और भी जूस पड़ा है इसमें। अब देखिए एक ही गन्ने के अंदर हमने कितना जूस अराउंडली निकाला, 350 ml समथिंग जूस निकल चुका है इसमें से। अब देखिए दो ग्लास भर चुके हैं हेवी वाले। तो दोस्तों इस तरह के ओरिजिनल क्वालिटी मशीन, हाई फंक्शन हाई सिस्टम वाली मशीन की ज्यादा डिटेल्स के अंदर दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडल है। आपको हैंड ऑपरेट चाहिए तो भी मिल जाएंगे, आपको पूरा चिलिंग वाला कार्ड चाहिए तो भी मिल जाएगा, आपको होंडा जनरेटर वाला शुगर केन मशीन चाहिए तो भी मिल जाएगा। तो जिस तरह का डिफरेंट मशीन चाहिए, उस तरह की ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।